तो दोस्तों आप जो मैं ऐप आपको बताने वाला हूँ उसकी वजह से आप जो है YouTube को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है कुछ परमिशन आएगा जो कि आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली ये स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, इनेबल ब्लैक स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है एक छोटा सा ये लॉक आइकन देखने को मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, YouTube पे जाते हैं और कोई वीडियो प्ले करते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है यहाँ पर प्ले हो रही है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस लॉक बटन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं फोन हमारा लॉक हो गया लेकिन वीडियो हमारी यहाँ पर चल रही है। उसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए आपको जो है यहाँ पर केवल टच करना है और यहाँ पर जो है अनलॉक का बटन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये जो है अनलॉक हो जाएगा। और दोस्तों केवल YouTube ही नहीं, आप जो है किसी ऐप पर ये काम कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐप जो है आप बैकग्राउंड प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए आप VLC प्लेयर या फिर MS प्लेयर में कोई वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं उसको बैकग्राउंड प्ले करना, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वीडियो जो है बैकग्राउंड में यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों इस तरह से जो आप किसी भी वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है ब्लैक स्क्रीन वीडियो स्क्रीन ऑफ। ये जो है आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। 4 MB का इसका साइज है, 4.5 इसकी रेटिंग है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।